हेलो दोस्तों, ये है हीरो की HF डीलक्स। इसका क्या है, ये करिए हेडलाइट का बल्ब फ्यूज। इसमें क्या, किसी मिस्त्री भाई ने इसको लगा रखा है, प्लेटिना के चार्जर में लगा होता है, ये रेक्टिफायर के साथ लगा होता है, प्लेटिना डिस्कवर और पल्सर में। इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कर रही है हेडलाइट का बल्ब फ्यूज। हम करते हैं इसको स्टार्ट और इसका देखते हैं करंट कितना आ रहा है। पकड़ो इस बार हाथ से, कैमरे के आगे उंगली आ रही है। अब ये तार लगाने के बाद, ये तार लगाने के बाद दिखा रहा है 12 वोल्ट, ठीक है। अब हम इस वाले तार को हटा देते हैं, ये तार हटा देते हैं। अब ये दिखा रहा है 12 वोल्ट से भी कम जा रहा है अब ये। और पकड़ना एक मिनट, अब हम इस तार को लगा दें तो ये बताएगा सीधे 14 वोल्ट। हटा देते हैं तो रह जाते हैं इसके 10 वोल्ट 9 वोल्ट। और यहाँ रेड करने के बाद भी ये 12 वोल्ट नहीं दिखा रहा पूरे। तो ये कर रही है हेडलाइट का बल्ब फ्यूज और हेडलाइट भी जल रही है अब कम। और अब जब हम इस तार को लगा देंगे तो करंट इसका बढ़ जाएगा, 14 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है इसका रेक्टिफायर खराब है, किसी मिस्त्री भाई ने हमारे जुगाड़ करा। अब हम इसका रेक्टिफायर चेंज करते हैं पहले। तो इस यहाँ इसका पीछे लगा होता है रेक्टिफायर, ठीक है। अब हम इसका सबसे पहले रेक्टिफायर चेंज करते हैं, गाड़ी बंद कर दूँ और उसके बाद इसका करंट देखते हैं कितना है। रेक्टिफायर दोनों बटन में घुमाओ बेटे, अभी रुक जाओ, क्या पता वापस देना पड़ा रेक्टिफायर। तो यह है नया रेक्टिफायर, ये स्विस कंपनी का है, 270 रुपये का आता है, 270-280 रुपये का। किसी भाई की गाड़ी अगर हेडलाइट का बल्ब फ्यूज़ कर रही हो या बैटरी चार्ज ना कर रही हो, तो बैटरी अगर सही हो तो सबसे पहले रेक्टिफायर को चेक करेंगे आपका कैसा सही काम कर रहा है या नहीं। और ये इसमें शिकायत थी कि यह हेडलाइट का बल्ब फ्यूज़ कर रही थी। बल्ब फ्यूज़ क्यों कर रही थी, क्योंकि इसमें किसी भाई ने प्लेटिना का कंडेंसर डाल दिया जो उसके चार्जिंग में आता लगा हुआ। हो गया टाइट, अब इधर दिखाओ, ये हमने करी गाड़ी ऑन। यहाँ और ये हमने लगाया रहे बैटरी पे तार दोनों। अब इसके 15 वोल्ट आ रही हैं, मतलब बैटरी चार्ज होगी और रेस लेने पर 16 वोल्ट हो गया। 16 से 16, 16 18 लेने चाहिए, इतना ऊपर नहीं जाने चाहिए। अब इसकी हेडलाइट का बल्ब, क्योंकि इसमें करंट ही सही नहीं आ रहा था, और इसकी हेडलाइट भी सही हो गई है, ठीक है। तो अगर बैटरी चार्ज ना हो रही हो या बैटरी में प्रॉब्लम हो रही हो तो अब इसका करंट सही हो चुका। ये किसी ने रेक्टिफायर में ही लगा दिया इसके जुगाड़, तो हम इसको निकाल के फेंक देंगे, इसका कोई काम नहीं है इस गाड़ी में। और बैटरी अब चार्ज हो रही है या नहीं, अब बैटरी भी चार्ज हो रही है, लेकिन बैटरी इतनी ख़राब है, बैटरी पड़ेगी नहीं। आप देख सकते हैं इसकी लाइट एकदम सही चल रही है, तेज नहीं है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी भाई की गाड़ी में कोई फॉल्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो हमको कमेंट बॉक्स में मिल सकता है, आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।